22 दिसंबर के दिन को गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 1887 में इंडोर तमिलनाडु में हुआ। श्रीनिवास रामानुजन को बचपन से ही गणित का बड़ा शौक था। इतना ही नहीं, 12 साल की उम्र में इन्होंने त्रिकोणमिति में महारत हासिल कर ली थी और बिना किसी सहायता के अपने दम पर ही कई प्रमेय विकसित भी की। राष्ट्रीय गणित दिवस के मौके पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार के बारे में जानकारी देते हुए कॉलेज प्रधानाचार्य हरदेव सिंह जम्बाल ने बताया कि गणित विभाग की तरफ से इस सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसकी थीम एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन डेली लाइफ रखी गई है। उन्होंने बताया कि इस मौके पर कॉलेज में विभिन्न प्रतियोगिताएं भी करवाई गई, जिसमें 15 महाविद्यालयों ने भाग लिया। हमारे डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की तरफ से स्टेट लेवल का एक सेमिनार है, जिसका थीम है एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन डेली लाइफ। ये भारत के वन ऑफ द बेस्ट मैथमेटिशियन जो है श्रीनिवास रामानुजन का आज बर्थडे भी है, 131वां, तो उनके जन्मदिवस को भारत भर में नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो इस संदर्भ में हमारे आज के जो चीफ गेस्ट वो IIIT पूना के, उन्होंने संबोधन दिया अपना, और इसके जो कीनोट स्पीकर हैं डॉक्टर राजेश वर्मा जी हैं, ये रीजनल फॉरेंसिक लैब मंडी से जो डिप्टी डायरेक्टर विभाग के, ये इनका हमारा मेन लेक्चर मैथमेटिक्स इनका रहेगा। तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स का और खासकर डॉक्टर GC राणा का, जो इसके कन्वीनर हैं, ये जो इन्होंने प्रोग्राम आयोजित किया, उनका धन्यवाद करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेमिनार है, जिसमें हमारे 1500 ऊपर कॉलेज आए हैं पूरे प्रदेश में से, और हर एक कॉलेज में से एक टीचर और 5-5 उनके स्टूडेंट, जिसमें हमारा मैथमेटिक्स ओलम्पियड है, क्विज कंपटीशन है, और बहुत सारे पेपर सर्च पेपर पढ़े जाएंगे।